दोस्तों नमस्कार, मैं रतन बसाक। मैं आप सभी से YouTube के माध्यम से और Facebook के माध्यम से संगीत से संबंधित विषयों पर चर्चा करने के लिए मुखातिब होता हूँ। मेरे कुछ दोस्तों ने मुझसे ये जानना चाहा है कि गाना गाते समय किन किन बातों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, इस पर कुछ विशेष टिप्पणी चाहा है दोस्तों उन्होंने मुझसे। तो दोस्तों आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। किसी भी प्रकार की गायन शैली को लाइव या रिकॉर्डिंग या कराओके या किसी भी प्रकार से परफॉर्म करने के लिए गाते समय 10-12 कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका विशेष ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, जैसे स्वर, लय, ताल, कर्ण स्वर, मीड़, मुरकी, खटका, वाइब्रेटो, हाफ टोन, फुल टोन, फेड आउट, फेड इन, और विशेषकर गीत के डिमांड के अनुसार गाने में एनर्जी, मरा हुआ नहीं लगना चाहिए। इन सब बातों पर हम आज चर्चा करेंगे दोस्तों, बहुत शॉर्ट में बताएंगे दोस्तों। बाद में हम एक एक विषय पर एक एक वीडियो बनाकर आपके सामने रखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों गाने की प्रथम शर्त है गले में सुर होना चाहिए। कई लोगों को आपने देखा होगा कि एक ही स्वर में पूरा का पूरा गीत गाकर चले जाते हैं, ठीक है उनकी मर्जी भाई गाए। दूसरा है ताल लय। अभी मैं इन दोनों को, लय और ताल को, दोनों को मिक्स कर देता हूँ, बाद में इसे अलग अलग करेंगे दोस्तों। लय अलग चीज है, ताल अलग चीज है। किसी भी गाने में जब एडलिब हम गाते हैं तो उसमें विशेष ताल नहीं होता, पर उस गीत में ताल होता है, पर उस एडलिब में ताल नहीं होता, लेकिन लय जरूर होता है। जैसे कई गाने ऐसे हैं जो एडलिब से शुरू होते हैं, जैसे चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे राम करे हो, तो ये एडलिब कहलाता है जिसमें ताल नहीं होता लेकिन लय जरूर होता है दोस्तों। कई गाने ऐसे हैं जिनमें गाने के बीच में एडलिब आता है, ए भाई जरा देख के चलो। इस गाने में पहला घंटा बचपन है, दूसरा जवानी, तीसरा बुढ़ापा, ये जो है एडलिब में आता है। इसके बाद आता है कर्ण स्वर। जब हम मुख्य स्वर गाते समय पहले के स्वर और बाद के स्वर को छूते हुए उस मुख्य स्वर में जाते हैं तो उसे कर्ण स्वर कहते हैं। जैसे मैं बिना कर्ण स्वर के गा रहा हूं, ये रात भीगी भीगी, अब ये एक्चुअल में ये नीचे वाले स्वर को छू के ये बोल रहा, ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाए, जैसे मुझे तेरी, ये री जो है मुझे तेरी, उसको ऐसा भी गा सकते हैं, मुझे तेरी मोहब्बत का। आप सुर में गा रहे हैं, ताल में गा रहे हैं, फिर भी वो अच्छा नहीं लगेगा, उसमें कर्ण स्वर है, उसका उपयोग आपको करना ही पड़ेगा। इसी प्रकार दोस्तों मीड़ जब हम एक स्वर से शुरू करके 2-3 स्वर के बाद के स्वर को जब हौले से घिसटते हुए जाते हैं, छूते हुए जाते हैं, उसे मीड़ कहा जाता है। जैसे हरि ओम हरि ओम हरि ओम, इसमें कई स्वर लगे लेकिन कहीं पर ठहरा नहीं गया, सिर्फ छूते हुए हम निकल गए। जैसे रंग भरे मौसम से रंग चुरा के, इसका आलाप है ये कर्ण स्वर और मीड़ का मिक्सचर है। फिर उसके बाद आता है मुरकी का नंबर। मुरकी बगैर कोई गीत होता ही नहीं है। जब हम 3 स्वरों के समूह को
एक साथ फुर्ती से गाते हैं तो उसे मुर्की कहा जाता है। दोस्तों, ओ मेरी ओ मेरी ओ मेरी शर्मीली मिली मेरे सांझ की दुल्हन हन, बदन चुराए चुपके से आए मेरे ख्यालों लो के आंगन में वो। तो ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ तब हुआ वो छोड़ो। ये जो उसके बाद आता है खटका। खटका क्या है? चार, तीन तो मुर्की हो जाता है, चार या चार से अधिक, पांच हो या छह हो या सात स्वर हो, चार से सात स्वरों के समूह को, गुच्छे को, गुलदस्ते को जब हम एक साथ बहुत सुंदरता से गाते हैं तब वह खटका कहलाता है। दोस्तों, जैसे मुसाफिर हूँ यारों यारों, ना घर है ना ठिकाना, ये है दिल है के मानता नहीं। इसमें चार स्वर से ज्यादा स्वर इस खटके में लगा है। दोस्तों, बेकरारी तेरी क्यों हो रही है ये जानता ही नहीं, हो हो दिल है कि मानता नहीं, घर याद रहे सारे सारे सारे। तो बिना खटके के कोई गाना हो मेरे समझ से बाहर है। अब कुछ भाई लोग बोलते हैं बहुत ज़्यादा शास्त्रीयता होनी नहीं चाहिए, कोई होने की ज़रूरत भी नहीं है। फिल्मी संगीत में, लाइट म्यूजिक में बहुत ज़्यादा शास्त्रीयता घुसा देंगे तो वो उपशास्त्रीय बन जाएगा, ना वो इधर के रहेगा ना वो उधर के रहेगा। तो छोड़िए, तो लेकिन ये सब बातें जो उठती हैं वो तो बस मैं तो समझता हूँ कि अंगूर खट्टे हैं, एनीवे जो भी है। उसके बाद आता है दोस्तों वाइब्रेटो। साम गान जब हुआ करता था, जब सप्तक के सात स्वर डेवलप भी नहीं हुए थे, पांच स्वर चलते थे उस समय भी वाइब्रेटो। आप उत्तर प्रदेश के, साउथ के किसी भी मंदिर में जाइए, वहां युगों युगों से मंत्रों का उच्चारण, मंत्रों का पाठ, मंत्रों का गान हो रहा है, उसमें वाइब्रेटो का उपयोग होता है। कुछ भाइयों का कहना है कि ये वाइब्रेटो ओपेरा से आ रहा है। उन भाइयों को नहीं मालूम है कि ये ओपेरा जो है वो इंडिया के शास्त्रीय संगीत से बाद में पैदा हुआ है। वाइब्रेटो हमारे यहाँ से सब, अब उसको विब्राटो बोल दोगे तो ऐसे तो नहीं है कि वो वहाँ से आया है, अब वाइब्रेटो ही है, विब्राटो नहीं है। वो एक शब्द के स्वर को लगातार कुछ सेकंड तक गाए तो वो उसमें एक लहर पैदा करते हैं, स्वरों का लहर पैदा करते हैं, आंदोलन पैदा करते हैं, वाइब्रेटो पैदा करते हैं। जैसे जिंदगी ये कहीं दूर, अब इसको वाइब्रेटो हटा दीजिए, कहीं दूर जब दिन ढल जा कहीं दूर, आपको वाइब्रेटो देना ही पड़ेगा। सुनने वाले के रगों में बैसा हुआ वाइब्रेटो आपको देना ही पड़ेगा। बिना वाइब्रेटो का गाना जैसे बिना नमक का खाना। मैंने अनुभव किया है दोस्तों कि लाइट म्यूजिक के गायन में इन सभी महत्वपूर्ण बातों के साथ साथ कुछ और महत्वपूर्ण बातें वो जुड़ जाते हैं, जिसे जानना और गाते समय इन्हें सही स्थान पर, सही समय पर अप्लाई करना अति आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है, जिसके बिना कोई भी लाइट म्यूजिक शैलियों का गाना असंभव है। विशेषकर किशोर कुमार के गानों को गाते समय हमें इन सब बातों पर ध्यान देना पड़ता है। दोस्तों, जैसे हाफ टोन, फुल टोन, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए, ओ रूप तेरा, ये जो है हाफ टोन,
फिर उसके बाद आता है यूडलिंग, तो यूडलिंग जो है जैसे ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम है, फेड आउट फेड इन आपको देखना पड़ेगा, जैसे कहीं दूर जब, ऐसा नहीं किया कहीं, वो ग्रेजुअली छोटा छोटा होता गया, एक लुप्त हो गया। शास्त्रीय संगीत हो या किसी भी शैली को जब गा रहे हैं तो उसमें एनर्जी चाहिए, फुल एनर्जी। गाने के जो बोल हैं, गाने का जो डिमांड है, उसके हिसाब से आपको एनर्जी देना ही पड़ेगा। जैसे ओ मेरी ओ मेरी ओ मेरी शर्मिली, आओ ना तरसाओ ना, आओ ना तरसाओ ना। इसमें सुर ठीक है, तार ठीक है, लय ठीक है, पर वो प्राण नहीं है, वो एनर्जी नहीं है, वो जज्बा नहीं है, डर लग रहा है। ओ मेरी ओ मेरी ओ मेरी शर्मिली, आवो ना तरसाओ ना, आवो ना तरसाओ ना। ओ मेरी ओ मेरी ओ मेरी शर्मिली, आपको एनर्जी देना ही पड़ेगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर कमेंट लिखें। कोई सुझाव हो, कोई प्रश्न हो तो जरूर मेल या व्हाट्सएप से मुझसे चर्चा करें, मैं जरूर उसे दूर करने की कोशिश करूंगा। मेरे चैनल को, मेरे फेसबुक पेज को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार।